बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बंदूराज, कैसे हो सब दोस्त? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस, मैं हूं सज्जाद और मैं हूं मोहम्मद नईम। तो नईम भाई, आज जो वीडियो है वो बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि विलेज लाइफ यस। और बांग्लादेश की विलेज लाइफ कैसी होगी तुम्हारे मतलब हिसाब से? पाकिस्तान जैसी होगी, सेम। बांग्लादेश की आज हमने देखनी है विलेज लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मतलब कि पोल्यूशन से पाक माहौल, साफ सुथरा माहौल होता है, काफी खामोशी और बहुत इंटरेस्टिंग सा माहौल होता है विलेज लाइफ का, और साफ सुथरा क्लीन मतलब के एटमॉस्फेयर आपको मिलता है विलेजेस में। तो पाकिस्तान के विलेजेस तो हमने देख रखे हैं, हमें पता है, मैं बहुत लाइक करता हूँ विलेज लाइफ को, बहुत मज़ा आता है विलेज का, वहाँ पर रहने में, वहाँ पर मतलब जो विलेज का एक माहौल होता है वो बहुत मजेदार होता है। शहरों में तो नहीं भाई, किसी को किसी का पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। नेबर्स का नहीं पता, इवन के नेबर्स कौन है आपका ये नहीं पता, लेकिन विलेज में लोग एक दूसरे को जानते हैं, इवन के अपने विलेज सारे को लोग जानते हैं, अलावा दूसरे जो आसपास के विलेजेस होते हैं उनको भी जानते होते हैं, उनके साथ भी मतलब ताल्लुकात होते हैं, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशंस होते हैं। तो विलेज लाइफ बहुत जबरदस्त होती है, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कि बांग्लादेश में विलेज लाइफ किस तरीके की है। बिल्कुल, तो जो दोस्त फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दें। ओके, तो करें स्टार्ट वीडियो आज का। यस, आर यू रेडी? आई एम रेडी टू। यस, तो ये लो फिर ओरिजिनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का, तो ऑल क्रेडिट गोस टू। मैं देख लूंगा साउंड है तो, इसलिए मैंने आवाज कम कर दी है, अगर पीछे साउंड है तो फिर कम कर देते हैं ना वॉइस। काओ काओ जाता विलेज हो और मवेशी ना हो, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यार लुंगी इधर भी पहनते हैं बांग्लादेश में, बोलो पहनते हैं पाकिस्तान में, वो ये देखो पाकिस्तान में जो है ना अपना अपर पंजाब वाली साइड जो है वहां पर लुंगी बहुत लोग पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं झंग वाली साइड पे। ये बांस, बांस है ना? यस, हैन खुड, वो ऐसे ही है विलेज में, हमारे भी इधर खुडे बने हुए हैं मुर्गियों के लिए, और ये भी देखो कितने हेल्दी है माशाल्लाह, मुर्गी भी हेल्दी है। देसी मुर्गी। और पाकिस्तान का जो ब्रॉयलर है ना मतलब चिकन है, वो बांग्लादेश में बहुत चलता है, बहुत पसंद किया जाता है, लोग बहुत इस्तेमाल होता है। केले के बहुत इधर बागात हैं यार, हमारे इधर सिंध में काफी मतलब बागात हैं केले के। ये रिक्शा है? यस, ये अपने टाइप का जिस तरह के इधर है। बनाना से याद आया, मैं लेके आया था सिंध से, उसको वो पायल डाल के रखा हुआ है, मैं किस दिन गया था, 3 दिन उन्होंने कहा था रखना है, मुझे पता नहीं, 5 दिन हो गया, निकाल लो। याद ही भूल गया। ब्यूटीफुल यार, ग्रीनरी विलेज में कितनी है वैसे, अपने इधर इस तरह का नहीं है माहौल, ग्रीन ऐसे नहीं है जैसे ये है विलेज, बांग्लादेश में ग्रीनरी ज्यादा है। हाँ, ग्रीनरी बहुत है बांग्लादेश में, ये देखो ना ट्रीज बहुत ज्यादा है, वो टावर लगा, वाईफाई पावर बीम लगी हुई है, नजर आई? नजर आई है। अच्छा, हाउस थोड़े डिफरेंट है। हाँ, इनके विलेजेस के हाउस यहाँ पर थोड़ा सा माहौल चेंज है, लेकिन एक चीज ये देखो कि इधर ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। हमारे घर नजर आते हैं तो घर ही घर हैं, मतलब ट्रीज इधर मिलेंगे, वो भट्टा है, ईंटों का ब्रिक्स भट्टा बोलते हैं इधर जिसको, असल
में ट्रीज का ज्यादा होना एक ये भी है ना कि वहाँ पर रेन ज्यादा होती है, बारिशें, मतलब उसके साथ साथ पानी, रिवर्स बहुत है बांग्लादेश में। ये फिशिंग कर रहे हैं, ये इस तरह के नेट से लगा के फिशिंग करते हैं। नहीं भाई, विलेज का जो इधर का ये जो है बहुत ब्यूटीफुल है पाकिस्तान की नस्बत। अगर हम ग्रीनरी को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में ग्रीनरी के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आ रही है बन नस्बत है पाकिस्तान। ये इस कश्ती में बैठने मुझे बहुत शौक है, छत वाली जो होती तो लोकी बोलते हैं, पर पता नहीं क्या बोलते हैं। ये शिमला मिर्च है, भिंडी, लेडी फिंगर एंड सब्जी मंडी है ये विलेज की, विलेज में ही है मेरे ख्याल में ना। ये फैशन मैं समझता सिर्फ इंडिया में ही है। नहीं नहीं, ये बांग्लादेश में है और पाकिस्तान में भी जंग वाली साइड पे लोग बहुत लुंगी और ऐसे ये गेटअप इसमें रहते हैं। तो शायद जंग वाली साइड पे गए नहीं है। नहीं, मैं उधर नहीं। हाँ, ये सेम जंग वाली साइड पे इधर तो मर्दों ने ऐसे पहनी हुई है ना, उधर औरतों ने भी ऐसे लुंगियाँ पहनी हुई है। मतलब कल्चर है अपना खीरा जबरदस्त यार। बैंगन आप क्या बोलते हैं इसको बताओ, पंजाबी में बताओ भी बोलते हैं, उर्दू में बैंगन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर वो शहर भी लेकर जाते होंगे लोग। ये ढाबा है चाय वाला, चाय के लिए इधर से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ये बांग्लादेश की काफी इंटरेस्टिंग सा माहौल है और ये बिल्कुल हम सोच रहे थे कि सिमिलर टू पाकिस्तान होगा, लेकिन बहुत डिफरेंस है। मतलब हाउस चेंज है, हाँ, घरों में हाउसेस भी चेंज है उनकी, मतलब जिस तरीके से वो बनाए गए हैं। फिर हमने देखा कि ग्रीनरी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिली है। और ये जो माहौल था मतलब मार्केट सब्जियों वाला, ये इधर हमारे विलेजेस में नहीं मिलता ऐसे, सिटीज़ में जाती हैं सब्जियाँ, वहाँ पर ही ऐसा सारा माहौल होता है। ये सेम कंबोडिया कंट्री है, उसमें सेम ऐसे ही है वो, इसके साथ ही लगता है चाइना के। हाँ, ये मतलब गाइस, ये जो आपको बता देंगे पाकिस्तान की जो विलेज लाइफ है वो तकरीबन डिफरेंट है। हाँ, यहाँ से बहुत ज्यादा लाइफ से बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम कुछ विलेजेस की अगर हम इधर झंग वाली साइड पाकिस्तान की एक है उसकी बात करें तो जो गेटअप है बांग्लादेश का लुंगी वाला और साथ ऐसे लुंगियां, तो वहां पर पाकिस्तान में औरतों ने भी लुंगियां पहनी होती हैं और इस तरह का माहौल है उनका। तो अगर हम बात करें यहां पर जैसे कि वो सब्जी फरोख्त हो रही थी, मंडी वगैरह लगी हुई थी, ऐसा कोई भी विलेजेस में नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्जियाँ उगाते हैं लगाते हैं वो डायरेक्ट सिटी में आपका जो नियरेस्ट सिटी होती है वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर मंडी होती है सब्जी मंडी जिसको इधर मतलब फ्रूट मंडी बोला जाता है, तो वहाँ पर चली जाती हैं सब्जियाँ, वहाँ से फिर लोग जो हैं फ्रूट मार्केट में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरीके से मतलब इधर का माहौल है। लेकिन हमने देखा कि बांग्लादेश में कितने आराम से आपको गांव में ही मंडी मिल रही है और लोग वहां से सब्जियां लेकर ढाबा बना हुआ है, चाय पी रहे हैं, क्या माहौल है यार, जबरदस्त यार, काफी इंटरेस्टिंग लाइफ है। मतलब बांग्लादेश में विलेज की है ना ग्रीनरी, स्पेशली ग्रीनरी बहुत है, ऐसी जगह पे जाके बंदा रहे यार 10-15 दिन मजा आएगा।
तो बहुत अच्छा यार, अच्छा लगा विलेज लाइफ बांग्लादेश का। कौन कौन विलेज में से मैं देखता है, चलें आज ये भी देखते हैं कि कितने लोग हैं जो हमें विलेजेस में से देखते हैं। सिटी में तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते रहते हैं फ्रॉम ढाका, चिटागोंग, सिलहट, राजशाही, मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं बांग्लादेश के, वहाँ से हमें लोग बताते रहते हैं कि हम यहाँ से हैं। विलेज में से कौन कौन हमें देखता है तो कमेंट करके बताइएगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।